बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक क्या है? कलर दी बॉक्सेस। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करना है 35, यूनिट नंबर थ्री, पेज नंबर 35, एक्सरसाइज नंबर है आप लोगों की 25। यहाँ पे उन्होंने हेडिंग क्या दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है मैच द फॉलोइंग शो बाय कलरिंग द टू बॉक्सेस दैट मैच अलाइन। यानी कि एक उन्होंने जो दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक में उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, दूसरे में उन्होंने उसका आंसर रखा हुआ है। क्या करना है आपने, आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने फिर उसका आंसर अपना चेक करना है। सेकंड बॉक्स में आंसर दिया होता है आपका, बच्चों के आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है उसमें दोनों में आपका सेम कलर होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसको कलर करें, कि आपको जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें आपने कलर करने हैं। कलर भी आपने कौन से यूज़ करनी है, कलर ऐसे यूज़ करें कि नीचे से आप लोगों की इंस्ट्रक्शन यानी आप लोगों के डिजिट वगैरह वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। आपने बस लाइट सा कलर करके उसको मेंशन करना है कि ये हम लोगों का क्वेश्चन है और ये हम लोगों का आंसर है। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन और आंसर में बिल्कुल एक जैसा आप लोगों ने कलर करना है। ये टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टोटल 7 क्वेश्चन है आपके पास और आपने इसमें 7 कलर यूज़ करने हैं। लाइट कलर यूज़ करें, ब्लू ब्लैक ये कलर आप यूज़ ना करें। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट, या आप कहते हैं कि लार्जेस्ट। यहाँ पे आप लोगों के है बिगेस्ट। बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, या लोएस्ट भी हो सकता है आपको। ये आपने किस तरीके से करना है, इसमें वो कह रही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है किस तरीके से। सम प्लस करें, प्रोडक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस माइनस करना है। डिफरेंस मीन्स के जब आप उसका हम यह कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसमें डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि उसमें ये देख रहे हैं कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों में फ़र्क क्या है। जब डिफरेंस फ़र्क आ जाता है तब उस वक़्त हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल सम या टोटल, बात एक ही है बेटा आपकी, टोटल सम यानी कि प्लस करें, टोटल हमें इकट्ठा करना है, सम यानी कि उनको प्लस करके उसका जो आंसर आ जाता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ यूज हुई है आपकी कोशेंट, कोशेंट बाय डिवाइड। नेक्स्ट उन्होंने ये बता भी दिया है कि आपने कोशेंट किस तरीके से लेके आना है, बाय डिवीजन से। कोशेंट बाय डिवीजन यानी कि हमने उसको डिवाइड करके अपना आंसर लेके आना है। इसमें जो वर्ड आप लोगों के यूज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है। सम और टोटल यानी कि हमने प्लस करना है, प्रोडक्ट यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एक था डिफरेंस यानी हम फ़र्क करेंगे, फ़र्क किससे करना है, सब्ट्रैक्शन करके फ़र्क करेंगे, और दूसरा आप लोगों के पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय डिवीजन यानी उसको डिवाइड करके हम अपना आंसर लेके आएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इन्होंने लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्मॉल नंबर, सिंगल स्मॉल नंबर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी सिंगल नंबर है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा फिर आपके पास 1 ही आएगा। और बात कर देते हैं कि बिगेस्ट सिंगल नंबर, बिगेस्ट सिंगल नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये 9 तक सारे आपके पास सिंगल है, लेकिन बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा फिर आपके पास 9 है। 8 भी आपके पास सिंगल है, 7 भी, लेकिन वो कह रहे हैं जो सबसे बड़ा सिंगल है वो कौन सा है, वो 9 है। फिर आप जब वो डबल की बात करते हैं, बिगेस्ट टू डिजिट, टू यानी डबल डिजिट कितने होंगे, बिगेस्ट टू डिजिट 99, क्योंकि इसके बाद जब 100 आ जाता है तो 3 डिजिट आ जाते हैं, 78, 28, 23 ये भी तो 2 डिजिट है, लेकिन सबसे जो बड़ा होगा वो आपके पास 99 होगा। अब वो कह रही है कि सबसे पहला हम काम करते हैं, पहला है
सम करना है आपने, यानी प्लस करना है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपने, बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर, बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर, इनको वो कह रहे हैं सम करो। ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, 1 and 9 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 and 9 10, और ये 10 पूरा आ जाएगा। अब आपने सेकंड वाले कॉलम में चेक करना है कि ये जहां पे आपका आंसर होगा उसमें, और ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें आपने सेम कलर कर देना है। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है ये सेकंड वाले कॉलम में 4th नंबर पे ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर उसमें से आपने डिफरेंस करना है। ये आपका सेकंड वाला है, बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें से वो कह रहे हैं सबट्रैक्ट, यानी डिफरेंस करें। डिफरेंस क्या करना है, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, सॉरी, इसमें डिफरेंस क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इसमें से आपने करना है, यानी बड़े में से छोटे को निकालना है। बिगेस्ट 4 डिजिट में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट आपने कह रहे हैं कि डिफरेंस करें या सबट्रैक्ट करें। 9 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि जब 0 ऊपर होता है तब उसकी वैल्यू होती है, तब आप उसमें 12 लेते हैं, जब नीचे है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। ये भी 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 9 ऐसे ही आ जाएगा। 9 में से 1 को कट करना तो बाकी आपके पास 8 हो जाएगा। अब ये आप लोगों का आंसर उन्होंने दिया हुआ है, सेकंड लास्ट पे है, और ये आप लोगों के सेकंड वाला क्वेश्चन और ये आंसर आपने इन दोनों में सेम कलर कर लिया है। नंबर 3 पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट, यानी कि अब आपने मल्टीप्लाई करना है। पहला हमने किया था सम प्लस डिफरेंस माइनस प्रोडक्ट, अब तीसरे बात कर रही है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट की बात कर रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर को बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर से अब आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर से, यानी बिगेस्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट ऊपर लिख लें या 3 डिजिट ऊपर लिख लें, बात एक ही है। प्रोडक्ट द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये देखें, अब आपने ध्यान से देखना है। 9 9s are 81, 1 लग गया 8 कैरी, 9 9s are 81 81 and 8 89, फिर 8 कैरी, 9 9s are 81 81 and 8 89, पूरा आ जाएगा मल्टीप्लाई। फिर 9 से करें, दोबारा गौर से सुने, क्योंकि एक 9 से मल्टीप्लाई किया दूसरे 9 से करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन एक बार फिर गौर से सुने, 9 9s are 81 8 कैरी, 9 9s are 81 81 and 8 89, 9 लग गया और फिर 8 कैरी, 9 9s are 81 81 and 8 89। अब आप इसको प्लस करें, 1 9 and 1 10 0, 1 कैरी, 10 and 9 19, फिर 1 कैरी, 10 and 8 18, फिर 1 कैरी, 8 and 1 9, यानी कि 98,000। यहाँ पे अब आपने चेक करना है, ये वाला आंस आपके सबसे सेकंड वाले कॉलम में फर्स्ट नंबर पे है, तीसरे वाले का आंस द प्रोडक्ट हमने किया है, तीसरे वाले का आंस ये आपके सेकंड वाले कॉलम में फर्स्ट नंबर पे है, आपने उस इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में और उस आंस में सेम कलर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर करें। ये तो इतना ज्यादा इजी है, इसमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट
डिजिट नंबर यानी कि ये छोटा होगा तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ये थोड़े से बड़े हैं, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट को आप ऊपर रखेंगे क्योंकि वो फाइव डिजिट होंगे, ज्यादा होंगे, और जो आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है उनको आप नीचे रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, किस तरीके से करना है? क्वेश्चन नंबर फोर है, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट पूरे, इसमें से आपने डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट को। ठीक है, अब देखिए जीरो में से जीरो आता है, यहां पे जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो सब्ट्रैक्ट पे कोई किसी किस्म का असर नहीं हो रहा, जीरो में से जीरो, यहां जीरो, जीरो में से वन, अब ये नहीं निकलता, ये टेन, यहां से एक बार लिया इधर हो गया आपके पास टेन, टेन में से वन नाइन, और यहाँ पे टेन था, एक बार उधर चला गया पीछे नाइन बच गया और ये नाइन ऐसे ही इधर आ जाएगा, यानी कि 9900 ये आपके पास लास्ट वाला आंसर है, ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर का ये सेकंड वाले कॉलम पे लास्ट पे ये आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि टोटल करें, यानी कि अब आपने प्लस करना है, ये हम फाइव वाला कर रहे हैं। देखिए जरा इसमें तीन अमाउंट दी हुई है बेटा, जरूरी नहीं कि दो ही अमाउंट दी जाए, दो या दो से ज्यादा अमाउंट आ जाती है, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कह रही है कि टोटल द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, हम जो जो वो कहते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में गिवन अमाउंट दी होती है, गिवन नंबर दिए होते हैं, आप हम वैसे वैसे उनको तरतीब से लिखते जाएंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा है। देखिए द टोटल ऑफ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं, कमर गया हुआ है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, आगे कह रहे हैं एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ये इनका वो कह रहे हैं टोटल करें यानी प्लस करें। टोटल आपको यहाँ पे एक से ज्यादा अमाउंट, दो से ज्यादा अमाउंट दी हुई है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, फिर वो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट यानी कि आप कह रहे हैं कि बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब आप इसको प्लस करेंगे, 909 ही आ जाएगा एंड 918, 8 एंड 1 क्या है, 9 एंड 1 10, 10 एंड 1 आपके पास हो जाता है 11, आपने 1 लगा दिया है, फिर 1 कैरी, 9 एंड 1 10, 10 प्लस 0, फिर 1 कैरी, 9 एंड 1 10, ये आपके पास आंसर है। ये आंसर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला ये आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 में और ये आंसर में सेम कलर कर देना है बेटा। एक बात का ख्याल रखना है कि जो कलर आप एक दफा यूज कर रहे हैं उसको आपने दोबारा यूज नहीं करना। नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन फाइंड करें, क्वेश्चन करना है द क्वेश्चन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, यानी कि ये आपका 6 वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वन डिजिट, यानी इसको डिवाइड करना है ग्रेटेस्ट वन डिजिट से। दोबारा गौर से सुने, वो कह रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, यानी कि आपने अपने ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर रखने हैं एंड वो कह रहे हैं कि आपने इसका क्वेश्चन करना है यानी कि आपने इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर से। देखिए 9 1s are 9, 9 में से 9 यहां आप जीरो ऐड नहीं करेंगे, ऊपर से ये 9 आ गया, फिर 9 1s are 9, 9 में से 9 जीरो नहीं लगाएंगे, ऊपर से ये वाला 9 आ गया, फिर 9 1s are 9, ये फोर्थ वाला 9 आ गया,
फिर 9 1 9 और ये हमारा फिफ्थ वाला 9 आ गया, 9 1 9। ये देखिए लास्ट में कुछ नहीं है आपके पास, ये वाला जो है ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तीसरे नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तीसरे नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 6 में, और इस आंसर में आपने एक जैसा कलर कर लेना है। और बेटा ये जो क्वेश्चन का आपको मैं ये सॉल्व करवा रही हूँ, ये आपने अपनी बुक के ऊपर नहीं करने, बल्कि अपने पास कोई रफ पेज रफ कॉपी रखे या रजिस्टर रखे, लेड पेंसिल के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद आप अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चन और आंसर में एक जैसा कलर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एज एन एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि मल्टीप्लाई होता है, ये आपके पास अब लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। को कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 2 एंड 3, वो कह रहे हैं इसका आपने प्रोडक्ट यानी के मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई, 9 0 और 0, क्यों, क्योंकि ये हम जीरो प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, जीरो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो या कोई डिजिट जीरो से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है जीरो। फिर 9 0 और 0, 9 0 और 0, 9 1 0 9 मल्टीप्लाई, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करें 9 0 और 0, 9 0 और 0, 9 0 और 0 एंड 9 1 0 9। फिर आपने थर्ड लास्ट में किया 9 0 और 0, 9 0 और 0, 9 0 और 0 एंड 9 1 0 9, इसको प्लस करें, ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये 9 ऐसे ही आ गया, ये भी 9 ऐसे ही आ गया और ये भी 9 ऐसे ही आ गया। अब ये लोग आप लोगों का आंस कहाँ पे है, ये आपका अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो थर्ड लास्ट, ये आप लोगों का आंस है, आप लोगों ने अपने आंस को और अपने क्वेश्चंस में बिल्कुल एक सेम एक जैसा कलर करें। ये थी हमारा आज की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 25, इसके मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करके दिखाए हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं, सम करना है, डिफरेंस करना है, प्रोडक्ट करना है और डिवाइड करना है, और ये आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी के ऊपर करके फिर आपने अपने इसमें पेपर में एज अ मैच कॉलम भी आ सकता है या एज एन सिक्यूज भी आ सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही थी इनकी आपने रफ साइड पे रफ पेपर्स पे रफ रजिस्टर कॉपी पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद उनमें कलर करें, डायरेक्ट देखते ही आप लोग कलर नहीं करें बल्कि खुद से सॉल्व करने के बाद फिर आप अपनी बुक पे कलर करें। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है, ध्यान से काम कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।